दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक सगे बेटे को अपनी मां पर तशद्दुद करते साफ साफ देखा जा सकता है। ये दिलसोज वाकया पाकिस्तान के इलाके रावलपिंडी का है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हमारे माशरे में लोगों का खून इस हद तक सफ़ेद हो गया है कि औलाद अपनी माँ को ही तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि इख्तलाफात इंसान की फितरत का हिस्सा है, लेकिन के इख्तलाफात और ज़रा सी तकरार पर माँ पर तशद्दुद करना इंसानी अमल है? बिल्कुल नहीं। और ये बात भी हमें जान लेना चाहिए कि हर अमल के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, लेकिन इस जानवर नुमा अमल के पीछे आखिर क्या वजह है? असल में इसकी वजह माँ जैसी अजीम हस्ती के मकाम व मरतबा से लाइल्मी है, और इसी लाइल्मी को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम माँ जैसी अजीम हस्ती के मुतालिक चंद मशहूर अकवालात का जायज़ा लेंगे, जिन्हें सुनकर यकीनन कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं माँ के मुतालिक चंद मशहूर अकवाल। औरत जब माँ हो तो मर्द की जन्नत उसी के कदमों तले सिमट कर आ जाती है। मैंने माँ से बढ़कर घनी छांव वाला कोई पौधा नहीं देखा। दुनिया में कोई भी चीज़ माँ जैसी पैदा ही नहीं हुई। माँ हर दर्द की दवा है। दुनिया की हर मोहब्बत माँ की मोहब्बत के सामने कमतर है। मोहब्बत माँ से ही जन्म लेती है। सब्र और बर्दाश्त की अजीम कहानी माँ है। माँ अपने आँचल से हमारे तमाम अश्क पहुँच कर हमें मुस्कुराना सिखाती है। माँ घर की रोशनी है। माँ ज़िंदगी के अंधेरों में उजाला है। माँ हुस्न सुलूक और फरमा बरदारी की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। माँ की खुशी में खुदा की खुशी है। माँ का दिल बड़ा ही नर्म और रहीम होता है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो ज़िंदगी में कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। माँ एक ऐसी हस्ती है जो औलाद के लाखों राज अपने सीने में छुपा लेती है। माँ वो हस्ती है जिसकी तारीफ़ के लिए दुनिया में अल्फाज नहीं हैं। माँ वो शख्सियत है जो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती रहती है। जन्नत ने कहा कि माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके कदमों तले मैं हूँ। माँ एक मशाल है जो हमेशा रास्ता दिखाती है। कुदरत ने इस कायनात को हसीन तरीन और नायाब तोहफा माँ की शक्ल में दिया है। ऐ माँ, तेरी शफ़क़त से मेरा हर गम खुशी में बदल जाता है। धरती की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ माँ है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ है। माँ का साया गर्मी में दरख्त के साये से ज़्यादा आराम देता है। माँ की आगोश दुखों की दवा है। माँ जब झोली फैलाकर अपने बच्चों के लिए दुआ करती है तो रब्बे जुलजलाल के हुजूर शर्फ कबूलियत हासिल करती है। आपकी माँ की दुआओं ने आपको चारों तरफ से अहाते में ले रखा है। बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह माँ का दिल है, ख्वाह बच्चे की उम्र कितनी ही हो। दुनिया में कोई भी रिश्ता माँ से प्यारा नहीं। माँ औलाद के लिए ढाल है। बदनसीब है वो औलाद जो अपनी माँ से ज़्यादा दुआएं ना ले सके। बदनसीब है वो औलाद जिसने अपनी माँ को दुख पहुँचाया। माँ दर्स अदब और अखलाक की सबसे बड़ी मुअल्लिमा है। माँ से बढ़कर कोई दोस्त नहीं। माँ की ज़िंदगी में मोहब्बत और मेहरबानी का खमीर दाखिल किया गया है। माँ की मोहब्बत हमें कभी भी मायूस और नाउम्मीद नहीं होने देती। माँ की दुआओं से हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। जिसकी माँ फौत हो चुकी हो, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। माँ अपनी औलाद से कभी भी ज़्यादा देर के लिए नाराज़ नहीं रह सकती। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं की जाती, वो घर ज़रूर बर्बाद होता है। माँ के बग़ैर घर में कभी बरकतें नाजिल नहीं होती। माँ का प्यार समंदर की मानिंद है जिसका पानी कभी भी खुश्क नहीं होता। दुनिया में एक दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। माँ की आगोश इंसान की सबसे पहली दरसगाह है। माँ की बददुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। माँ की कदर उसकी ज़िंदगी में ही जान लो। माँ कभी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होती। माँ ज़िंदगी की तारीक राहों में रोशनी का मीनार है। माँ कभी भी अपने औलाद के लिए बददुआ नहीं करती। दोस्तों, माँ के मुतालिक अगर ये अकवाल आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए इसे अपने दोस्त और अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और UCS TV को सब्सक्राइब करते हुए पास में मौजूद घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो वक्त पर मिल सके।